किसान आंदोलन पार्ट टू होगा या नहीं, इसका फैसला कुछ ही घंटे में हो जाएगा। शाम 5 बजे आज चंडीगढ़ में किसानों और सरकार की बैठक है। उसमें अर्जुन मुंडा केंद्रीय कृषि मंत्री और साथ में पीयूष गोयल प्रधानमंत्री मोदी के बेहद ही नजदीकी मंत्री कहे जाते हैं, उनके साथ बैठक है। और चंडीगढ़ में बैठक के बाद शाम 5 बजे जब बैठक शुरू होगी तो उसमें क्या निर्णय निकलता है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि कल यानी 13 तारीख को किसानों का दिल्ली कूच होगा या नहीं होगा। इस समय मैं शंभू बॉर्डर पर हूं और पंजाब से अगर आप हरियाणा की तरफ जाएं, अम्बाला की तरफ जाएं, तो आपको शंभू बॉर्डर यहां पर से होकर गुजरना पड़ता है। और यहां की सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले जो हमने आपको तस्वीरें यहां से दिखाई थी लाइव, और उस और आज की तस्वीर में काफी अंतर आ चुका है। और पहले अगर आपने देखा होगा तो यहां आपको पीछे की साइड में एक बड़ी सुरक्षा की लेयर दिखाई पड़ रही होगी, लेकिन अब उस सुरक्षा की लेयर को बढ़ा दिया गया है और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं, SSP पहुंचे हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं। और देखने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ ये कहते हैं। वरुण शर्मा SSP पटियाला यहां पर पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से व्यवस्था है और किसानों को रोकने के लिए किस प्रकार से यहां पर तैयारियां की गई हैं, उसका मुआयना करने यहां पर पहुंचे हुए हैं। और वरुण और SSP हैं ये पटियाला के, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मीडिया से फिलहाल कोई बातचीत वो नहीं करना चाहते। और सुरक्षा किस तरह से है, क्योंकि पंजाब की एंड से भी किसी तरह की किसानों को कोई दुविधा यहां पर ना झेलनी पड़े और कानून व्यवस्था कोई हाथ में ना ले, इसको लेकर के दोनों ही राज्यों के, पंजाब और हरियाणा के जो पुलिस अधिकारी हैं वो सतर्क हैं। और यहां पर मैं तस्वीरें आपको जो दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं इस नजरिए से कि यहां पर बैरिकेडिंग आप देखिए, 3 लेयर से ज्यादा की बैरिकेडिंग आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। और टोल प्लाजा से पहले घग्गर नदी के पुल के ऊपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले कंक्रीट के बड़े पत्थर यहां पर लगाए गए हैं बैरिकेडिंग के जरिए, और उसके पीछे कटीली तारे हैं। और आप 1.5 से 2 फुट आप नीचे जमीन पर देखेंगे कि सीमेंट डाल के उसमें नुकीले सरिये कहीं ना कहीं डाल दिए गए हैं, और एक तार जो है वहां पर फेंसिंग की लगा दी गई है, और उसके पीछे अर्धसैनिक बल है ताकि अगर किसानों के ट्रैक्टर यहां से निकले तो उनके टायर पंचर हो जाएं और वो आगे की तरफ ना बढ़ पाए। ठीक उसके पीछे आपको दिखेगा कि हरियाणा पुलिस के जवान और RAF के जवान हैं, और उसके पीछे वज्रवाहन भी आपको दिखाई पड़ेगा, और ये टुकड़ी आपको पैरामिलिट्री की फोर्स भी उनके पीछे साथ में साथ दिखाई पड़ेगी। दोनों तरफ, चाहे आप इस पुल की तरफ देखें जो पंजाब की तरफ आता है, और चाहे दूसरा पुल देखें जो हरियाणा की तरफ जाता है, दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ेगा कि कई लेयर की बैरिकेडिंग यहां पर है और दोनों तरफ वज्रवाहन तैनात हैं, सीमेंट से लेकर के और लोहे के बैरिकेडिंग, और उसके पीछे बड़े बड़े कंटेनर, यानी कि कई लेयर सुरक्षा यहां पर कर दी गई है। और पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को कि सीमेंटर के जरिए, सीमेंट मिक्सचर के जरिए वहां पर मिक्स करके वहां पर RCC का बैरिकेडिंग तैयार कर दी गई थी, और घग्गर को जो जोड़ता है उस पुराने पुल में से कोई होकर के ना जाए, इसलिए यहां पर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, उसका भी खोद दिया गया है और उसको 10-10, 12-12 फुट के गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। आप चाहे मेरी बाई तरफ देखेंगे तो चाहे आप दाई तरफ सामने भी देखेंगे तो आपको गहरा गड्ढा वहां पर दिखाई पड़ेगा, उसको JCB से खोदा गया है ताकि अगर कोई गाड़ी या कोई ट्रैक्टर लेकर के अगर आना जाना चाहे तो वो उसको पार ना कर सके, ट्रैक्टर वाहन जो है वो पलट जाए। और इसी प्रकार की जो तैयारी आपको देखने को मिल रही है, हमने अभी कुछ देर पहले आपको हरियाणा की तरफ से शंभू बॉर्डर जो पंजाब की तरफ आता है उसकी सुरक्षा दिखाई थी, और अब हम आपको पंजाब से हरियाणा की तरफ जाने वाले जो रास्ता है उसकी सुरक्षा किस प्रकार से चाक चौबंद है उसको दिखा रहे हैं। कई लेयर की सुरक्षा है, और ये देखिए यहां पर बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके रखती गई हैं ताकि किसानों को आगे जाने से रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद किसानों की तैयारी जो है वो बड़े स्तर पर है, और किसान किसी भी सूरत पर मानने को तैयार नहीं है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वो यहां से लौटने वाले नहीं है। अब कुछ ही घंटों में अब बैठक शुरू होने वाली है, और बैठक नतीजे क्या निकलता है बैठक में, इसको नजर इस पर पूरे देश की है। यहां पर कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार क्या रणनीति है। पुलिस की तैयारी आप देख रहे हैं,
आपकी क्या तैयारी है कि आप किस तरह से उस पार जाएंगे? फुल तैयारी है, फुल फुल तैयारी है। हाँ। कैसे पार करेंगे? इतनी लेयर की सुरक्षा है, आरसीसी सीमेंट डाल दिया है, चुटकियां जैसे चुटकियों में पार करेंगे। हाँ। पिछली बार की तरह। हाँ। अच्छा, आज शाम बैठक होनी है 5 बजे, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडे जो कृषि मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे, बड़ी मीटिंग है, आपको क्या उम्मीद है उस मीटिंग से, कुछ निकलेगा नतीजे? बात ऐसे है भाई, हिंदी बात करा पंजाबी, जैसे मर्जी हिंदी पंजाबी कुछ गल इदा जी, जेडे साडे पीयूष गोयल मिनिस्टर ने जदों ओह किसी मीटिंग च आउंदे ने मसला हल हुंदा नहीं, पहले भी इस तरह रहा, एक बार तो किसान यूनियन ने उत्थे शर्त लाती थी भी ये ना आउण शायद साडा मसला हल हो जाए, हुण फिर बार बार ओही मीटिंग च आउंदे ने ओह बंदे मसला हल नहीं होण दे। क्यों? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक मंत्री है और कई मंत्रालय उनके पास है, और माना जाता है कि अगर पीयूष गोयल आए हैं तो कोई ना कहीं डायरेक्शन ऊपर से है, तो पीयूष गोयल आपकी मांगे क्यों नहीं मान रहे और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो आप लोगों के हक में नहीं है? भाई साहब, इसके लिए वो चंगा है ना, अभी वो उसको खुश करने के लिए लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी साहब को। अच्छा, हाँ। तो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडे, उनसे कुछ उम्मीदें हैं? पहले नरेंद्र तोमर थे जब कृषि कानून लाए गए थे, उनकी जिम्मेवारी बनती है, जो अपनी पावर से करें तो हो जाएगा, जे पीयूष गोयल के साथ देखेगा वो, फिर वो विजन से देखेगा, फिर नहीं होगा। आपको अभी लगता है कि आज की मीटिंग में कुछ बहुत ज्यादा निकलना नहीं है, आज की मीटिंग भी बेनतीजा रहेगी, आप लोग ये मान के चल रहे हैं? हम तो इस सेंटर की जो टीम आनी है उनको ये बेनती कर सकते हैं भी ये किसान भी आपके देश की हैं, ये किसी और देश के नहीं है, भी इनका मसला हल कर दे तो अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे जी कि जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन की तैयारी है, लगता है कि आप इस किला नुमा जो बैरिकेडिंग कर रखी है उसको भेद लेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं है, ये हो जाएगा। अगर जमींदार आ गया ना ट्रैक्टर लेके आ गया, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 1 घंटे का काम है सर पार करने के लिए, 1 घंटे में पार कर। हाँ, 1 घंटे में पार कर देगा। बात ऐसे है भी, पहले तो हम पहले आए थे पिछली बार, हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, इनकी तैयारी है तो हमारी भी उतनी जोर से ज्यादा तैयारी है। अच्छा। हमको ये खबर मिल रही है भी वो ऐसे कर रहे हैं, हम भी वैसी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही हथियार जो इनको डेड एरी करेंगे, ऐसे ही हमारा साजो सामान तैयार कर रहे हैं जो चाहिए हमें। तो मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं ये जितनी भी तैयारियां हैं आपके लिए आसान होता जा रहा है इनको समझकर अपनी तैयारी करने में? हाँ जी जी, यही हो रहा है, ये हम भी ऐसी, हमारा जिला जो फतेहगढ़ साहब है। हाँ। पटियाले के नजदीक भी पड़ जाता है, इतनी दूर यही देखने आए हैं हम भी, यहाँ क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या हमारे पास सामान चाहिए। कितने ट्रैक्टर तैयार हैं? पिछली बार एक नारा चला था कि आप किसानों का टैंक है ट्रैक्टर, तो किसानों का टैंक कितना तैयार है, कितनी बड़ी संख्या में पंजाब के इस तरफ अगर मैं कहूं तो आप लोगों के ट्रैक्टरों की तैयारी है जो दिल्ली कूच करेगी? अभी अभी एक फोन आया था आपके पत्रकार के पास ही, 1500 ट्रैली जो एकदम निकली है संगरूर डिस्ट्रिक्ट से, बाकी माझे से आएगी कुछ, मालवे से, पूरे हर एक गांव से दो दो चार चार ट्रैली है, किसी किसी में तो ज्यादा भी है उससे। ज्यादा भी है। हाँ। लाखों में ट्रॉली है, लाखों में, लाखों में, लाखों में ट्रॉली है। 10,000 तो किसान जत्थेबंदियां कह रही हैं, आप मान के चल रहे हैं कि उससे कहीं ज्यादा? लाखों में है ट्रॉली, एक दो नहीं है। पहले तो लोग तंग थे, अभी ना तो जमींदार को इनको कर्जा माफ किया, कारपोरेटर को इन्हें कर्जा माफ कर दिया, जमींदार कुछ नहीं किया, जमींदार MSP नहीं दे रहे, ये तो मतलब अपनी हक मांगते हैं तो साढ़े पर गलत गुठा रख देने भी, तुम हक ना मंगो। 2020 में भी जब कोरोना चल रहा था तब भी किसानों ने सड़कों पर ही अपना पूरा समय निकाला, 13 महीने आप लोग संघर्षरत रहे, लगता है कि पिछली बार आप लोगों को मांगे रिटर्न में मनवा कर ही वापस आना चाहिए था, गलती कर दी जो सरकार के कहने पर मानी? नहीं, अगर आपसे विश्वास तो करना ही पड़ा ना, भरोसा तो कर लेते हैं, फिर भी हमारा जो कानून वापस ले लिया उसने, एहसास होता है कि पिछली बार शायद ना वापस आते, अगर उसको कुछ और लिखित में मनवाते तो ठीक था, या कानून पास करवाते तो आते। हाँ जी, ऐसी है, इन्होंने एक बहाना लगाया भी, हमारा जो बाहरले कंट्री है उनके साथ एक G7 की मीटिंग होती होगी, उनके साथ मीटिंग करने के बाद ही हम फैसला लेंगे। हाँ। भी हम ऊपर प्रेशर बनाएंगे भी हमने MSP की गारंटी देनी है। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया। हुण ऐसे है जो वहां पर किसानों पर पर्चे दर्ज हुए, ज्यादातर वो बच्चे थे नवे जिन्हें नौकरी भी करनी थी, किसी ने फॉरन जाना था, वो वहां पर पासपोर्ट जब्त करा लिए, वो बाहर फॉरन नहीं जा सके और किसी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर पर्चा बोलता है। ये तो अभी भी सरकारें अभी भी कह रही हैं कि अगर आप लोग इस तरफ आते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान आया था, हरियाणा के CM है, बिल्कुल यहां से अगर आप आधा किलोमीटर आगे जाते हैं तो उनका ये कहना है कि किसान
हथियार आगे ट्रैक्टर पे बांध करके आ रहे हैं तो उसको इजाजत कैसे दे दी जाए, और अगर आप लोग नहीं मानते तो आप लोगों के पासपोर्ट भी रद्द करवाए जाएंगे। बात ऐसी है जी, कोई हथियार नहीं लेकर आता, कोई ऐसा कोई हम कोई क्रिमिनल लोग नहीं है, ये तो एक बहाना है, ये मनुष्य अधिकार का उल्लंघन है बिल्कुल। हम दिल्ली जाना है, ये रास्ता रोकते हैं और कहेंगे भी क्या लोगों को भी, हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं भी, हथियार लेकर जा रहे हैं इसलिए रोकते हैं, उन्होंने तो बात कहनी है ये। पर ये पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, लगता है कि अब की बार ये आंदोलन जो आप शुरू कर रहे हैं और अगर सक्सेस रहा दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंच पाए तो उतने बड़े स्केल पर उतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आंदोलन कर पाएंगे जितना पिछली बार था? बिल्कुल कर पाएंगे, उससे भी बड़ा आंदोलन ज्यादा होगा। देखो ये डेमोक्रेटिक राज नहीं हैगा, यह हैगा तानाशाही राज। अगर डेमोक्रेटिक सभी की सुनी जाती है, सभी को मांग दी जाती है, सिर्फ ये तो एक सरकार कारपोरेट को खुश कर रही है, किसानों को दबा रही है। सरकार कह रही ट्रैक्टर लेकर आने की क्या जरूरत है, आप खुद जाइए जंतर मंतर पर बैठिए। अगर हम जाएंगे कहाँ, हमारा जो साधन है ट्रैक्टर ही है, किसी जमींदार का 10 बंदे जाना 15 बंदे जाना है, आप ट्राली में जाएंगे, वो हमारा गाड़ा है, गड्ढे में जाएंगे अपने साथ में जाएंगे, किसी को ट्रेन में क्यों जाएंगे, हमारे साधन है, अपने साधनों में जाते हैं, हमारा ट्रैक्टर भी इनको रखता है, हम अपने साधन में जाएंगे, इसमें किसी को दिक्कत क्या है, इसमें राशन भी ले जाना, कपड़ा भी ले जाना, अभी भी इस्तरे भी ले जाना, क्या पता साल लग जाए, दो साल लग जाए, मकान बना के ले जाएंगे अपना। अच्छा, मतलब तैयारी अब की बार भी फुल है कि एक बार अगर आप दिल्ली पहुंच गए तो लौटेंगे नहीं जब तक आप कानून लेना लेते। सबसे बड़ी बात मानते नहीं, ऐसी लौटते नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर गांव को, गांव वाले को ये चाह चढ़ा हुआ है कि हम किसी शादी में जा रहे हैं जैसे, पिछली बार की तरह। हाँ, बहुत उत्साह के साथ जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ। चलिए, तो तैयारी किस तरह से है ये आपने सुनी ली है कि जो भी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की है उससे कई ज्यादा गुना तैयारियां किसान ने भी कर रखी हैं, और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे ये जितनी मर्जी बैरिकेडिंग कर लें, जो मर्जी इंतजाम कर लें, सबको नेस्तो नाबूद करते हुए किसान दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में धरना देंगे और सरकार से अपनी मांगे मनवाएंगे, चाहे किसान आंदोलन पिछली बार से भी ज्यादा लंबा क्यों न चलना पड़े। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।